नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि एक्टर दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 98 वर्ष की उम्र में आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और सिनेमा जगत में इस समाचार से बेहद शोक है। उनके साथ काम कर चुके जो लोग हैं वो अपनी अपनी यादें सोशल मीडिया पे साझा कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनके फैंस हैं वो भी लगातार सोशल मीडिया पे अपनी संवेदनाएं, अपनी श्रद्धांजलियां उनको दे रहे हैं। बतौर अभिनेता दिलीप कुमार अपने आप में एक पूरी पाठशाला थे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दिग्गज अभिनेता उन्हें अपना आइडियल मानते रहे हैं। ये और उनकी ही श्रेणी के ज़्यादातर अभिनेता अक्सर ये बात किया करते हैं कि दिलीप साहब की फिल्में देख करके उन्होंने अपने एक्टिंग को संवारा, अभिनय को उन्होंने करेक्ट किया, काफ़ी सारे गुण उनसे सीखे, बहुत सारा उन्होंने ज्ञान लिया एक्टिंग का। दिलीप कुमार बेमिसाल अभिनेता तो थे ही, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब ने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी और फिल्म का नाम था कलिंगा। ये फिल्म कहिए कि दुर्भाग्यवश कभी भी रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन जिन्होंने वो फिल्म देखी वो लोग ये कहते हैं कि कलिंगा फिल्म अपने आप में एक फिल्म निर्देशन की पूरी पुस्तक है। उसमें बहुत कुछ सीखने को है। कलिंगा देखने वालों में एक नाम है फिल्म निर्माता संगीता अहीर का। संगीता के पास कलिंगा के राइट्स हैं और दिलीप कुमार साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने ये कहा है कि कलिंगा मेरे पास है और दिलीप जी की पहली और आखिरी निर्देशित ये फिल्म मेकर्स के लिए इंसाइक्लोपीडिया है। जिस तरीके से दिलीप जी ने ये फिल्म शूट की है वो अपने आप में एक केस स्टडी है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने उनको खो दिया, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। शायद इसी में उनकी भलाई थी। बहुत अच्छा होता अगर वो मौजूद रहते, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और कलिंगा बनाने के बाद उन्होंने किसी और प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डाला और किसी प्रोजेक्ट में उन्होंने काम नहीं किया। वो इस फिल्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। उनका ये सपना जल्दी ही पूरा किया जाएगा और संगीता ये वादा भी करती हैं कि वो कलिंगा को रिलीज़ ज़रूर करवाएंगे। और आखिर में उन्होंने कहा कि दिलीप साहब का जो ड्रीम है उसको पूरा किया जाएगा। दोस्तों, इस समय दिलीप साहब को सभी लोग बहुत याद कर रहे हैं और मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसी खबरें आई, अब से नहीं, पिछले 4-5 साल से चल रहा है। जैसे ही दिलीप साहब को हॉस्पिटलाइज किया जाता था वैसे ही ये खबरें उड़ने लग जाती थी कि दिलीप साहब नहीं रहे। और आज दिलीप साहब नहीं रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो खबरें उड़ती रहीं उनका लगातार सायरा बानो, यानी कि उनकी पत्नी, उनको बाकायदा इसका खंडन करने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ता था। सायरा बानो जिन्होंने बेहद बेहद प्यार किया दिलीप कुमार साहब से, वो दिलीप कुमार से करीब 22 साल छोटी थी और मन ही मन उनको बहुत प्यार करती थी, लेकिन दिलीप साहब उनसे शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब सायरा बानो ने बहुत ज़िद की तो उसके बाद उनकी शादी होती है। आज सायरा बानो अकेली रह गई हैं और उनके फैंस उनका जो एक प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कलिंगा, उसको रिलीज़ करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। जय हिंद।